तैयार कर रही हूँ आलू के परांठे के लिए पिट्ठी। आलू है, इसको मैश किया है, उबला हुआ आलू। डाली है इसमें ये हरी मिर्च। अब इसमें डाल रही हूँ मैं यहाँ पे ये जीरा मसाला है, जो कि मैंने विशाल से मंगवाया था, तब राशन मंगवाया था, तब मंगवाया था ये वाला, अच्छा है। सेकंड मैं इसमें डालूंगी नमक स्वाद अनुसार। मैं सिंपल नमक का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, आप जो भी खाते हैं आप वो वाला नमक यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ये है धनिया पाउडर। तो बस यही चीज़ें मैं डालूंगी। अब मैं कर दूंगी इसमें मिक्स इसको। लाल मिर्च मैं नहीं डाली क्योंकि मैंने डाली है हरी मिर्च। तैयार हो गया है हमारा पराठा, और मतलब पराठे तैयार हो गया पूरे, और हम खाएंगे इसको सॉस के साथ। नाश्ता बनाने के लिए के बाद में मेरा जो काम होता है, इनको भेजने के बाद में मतलब जब ये चले जाते हैं तो मैं बाकी का काम अपना ख़त्म करना शुरू कर देती हूँ। आज मैं शेयर कर रही हूँ अपना पूरा रूटीन, जो मॉर्निंग में मेरा रूटीन होता है, 1 घंटे का रूटीन होता है और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में होता है। यहाँ पर मेरा जो एक्स्ट्रा काम रुका हुआ होता है उसको मैं कंप्लीट करती हूँ। जैसे कि सबसे पहले मुझे धोने हैं कपड़े, आपने देखा होगा इस बार मेरे कपड़े इतने सारे हो रहे थे ना, क्योंकि मैंने सोचा यार एक साथ सारे करूँ और ये ना, तो इस वजह से मुझे थोड़ा इस बार कपड़े धोने में टाइम लग गया। और इसमें इकट्ठे होते रहे इकट्ठे होते रहे, क्योंकि 4-5 तो बेडशीट ही हो रही थी, क्योंकि उधर वाले रूम में भी डालनी पड़ती है और जो है 2 जगह वैसे भी डालनी पड़ती है सिंगल बेड पे भी, तो इतनी सारी इकट्ठे हो जाती है, कुछ ओढ़ने की है। तो मैंने सोचा आज की सबको धो डालूंगी, कुछ नहीं छोड़ूंगी घर में। तो मैंने लगा दिए हैं यहाँ पर अपने कपड़े, और जो मेरी मशीन है वो ऑटोमेटिक है, आपने देखी होगी, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है। तो इसमें क्या होता है कि कम्फर्टेबली आप कपड़े एक बार लगा दो और फिर छोड़ दो, आपके कपड़े धीरे धीरे सारे धुलते रहेंगे। अपने कपड़ों को लगाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर बाहर की तरफ। आप देख सकते हैं कि आज कितनी सारी चादरें इकट्ठी हो रही है, और जो सूट वगैरह जो मैं अभी गांव में गई थी ना पिछले हफ्ते, तो वो भी कपड़े अभी तक रखे हुए हैं। इनके कपड़े तो मैंने धुल दिए थे, लेकिन अपने कपड़े मैंने धुले नहीं थे, तो मैंने उनको धुलने के लिए रख दिया है। फर्स्ट जो वॉश है वो इनके कपड़ों की है, सेकंड में बेडशीट वगैरह और अपने कपड़े डाल दूंगी मैं। तो इस तरीके से मैं अपना काम सिंपली निपटा लेती हूँ धीरे धीरे। तब आप अपने काम को ख़त्म कर रहे हो तो बीच में आप अगर म्यूज़िक वगैरह चला ले तो उसका मज़ा ही कुछ और हो जाता है, मतलब काम काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। अच्छा, मेरे पास में कुछ ऐसा काम होता है जैसे किचन वगैरह का, तो मैं सामने का अब तो मैं कम ही कर दिया, लेकिन पहले में क्या होते थे किसी के ब्लॉग्स, जैसे संभावना सेठ के ब्लॉग्स मैं बहुत देखती हूँ, ब्लॉग्स वगैरह या फिर सीरियल वगैरह जो मुझे देखने होते हैं वो मैं चला लेती हूँ। वैसे मुझे सीरियल का इतना शौक़ नहीं है, ऐसे शौक मैं पालती नहीं हूँ, क्योंकि फिर अगर घर में लड़ाई झगड़ा भी होता है ना फिर ताने मिलते हैं, ये सब सीरियल का असर है, तो इसलिए मैं इतने ज़्यादा सीरियल वगैरह का शौक़ नहीं पालती। अपने कपड़े रखने के बाद में मेरा जो फर्स्ट काम होता है वो सफाई करना होता है, और मैं यहाँ पे सबसे पहले करती हूँ बेड की सफाई। लेकिन बेड पे ऑलरेडी कपड़े रखे हुए थे, तो सोचा कि पहले झाड़ू वगैरह अपना कंप्लीट कर लूँ, इसके बाद में जो बेड है उससे अपने कपड़े हटाऊँगी, मतलब जब सारे कपड़े वॉश हो जाएंगे तो बेड की सफाई करूँगी। और मेरे घर में अब इतना सामान फैला रहता है ना, नीचे फ्लोर पे इतना सामान होता है कि भोलू जी के सामान को सिंगवाते सिंगवाते मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप क्या करते होंगे, मतलब मैं पहले क्या करती थी कि पहले सारा सामान सिंगवाती थी और फिर झाड़ू लगाती थी। अब होता है कि साथ साथ में मैं सारे काम करती रहती हूँ, जैसे सामान को रखना है उठा के उसकी जगह पर, तो इस तरीके से मेरा काम ना जल्दी जल्दी भी हो जाता है और एक वक्त में एक तरफ का काम कंप्लीट हो जाता है। मतलब कि पहले सामान रखना फिर झाड़ू लगाना, तो आपका सिंपली काम निमट जाता है। मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मैं सोच रही थी कि मुझे ही ज़्यादा लग रही है, लेकिन अब तो जिसका भी फ़ोन आए कुछ भी बात हो कि यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मुझे इसलिए ज़्यादा लगती है क्योंकि मेरी जो मेडिसिन वगैरह वो चलती रहती है, और जो लोग दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं ना उनके घर जो है शरीर में गर्मी ज़्यादा बनती है,
तो इस वजह से गर्मी ज़्यादा लगने लगती है। इसके मैं कई चीज़ उपाय करती हूँ, जैसे यार पानी बहुत ज़्यादा पीना, और भी बहुत कुछ है, एक्सरसाइज वगैरह करना। लेकिन मेरे साथ में क्या हो रहा है, मुझे फिर भी शरीर में, पहले जब मैं दवाई वगैरह नहीं खाती थी ना शादी से पहले, तो मुझे ठंड ज़्यादा लगती थी। लेकिन अब बात ये हो रही है कि तब से दवाई शुरू हो रही है ना, तो गर्मी इतनी ज़्यादा लगने लगी है कि मैं परेशान हो जाती हूँ। अगर थोड़ी देर एसी ना चले ना, तो मुझे ऐसे हो जाते कि बस मुझे सांस नहीं आ रहा है, कोई बस ऐसा गला घोट रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम मेरे साथ में आती है। अच्छा, कौन कौन इंसान इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कभी, कि दवाई खाने के बाद में ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाती है शरीर में? वैसे तो ये सभी कहते हैं यार, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। अच्छा, इसे बचने का एक और उपाय है कि ठंडी तासीर वाली चीज़ें खाई जाए। तो ठंडी तासीर वाली चीज़ें भी मैं खाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं होता। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है ना कि शरीर में कहीं भी बिना मतलब ही एलर्जी हो जाएगी, बिना मतलब ही रेड रैशेज हो जाएंगे। और दवाई भी मुझे बहुत ज़्यादा सोच समझ के खानी पड़ती है, क्योंकि ना मुझे हर चीज़ सूट नहीं करती। हो गया है मेरा एक काम कंप्लीट, और लगा ली है मैंने अपने झाड़ू। तो झाड़ू कंप्लीट करने के बाद में मेरा काम आता है पोछा लगाने का। और पोछा लगाने का मैंने पहले अंदर लगाया था, वो तब सूख गया, पंखा चला रखा था तो वहाँ पर भोलू जी को बंद किया। उसके बाद में मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि अगर उसके साथ साथ पोछा लगाने का काम हो तो वो तो नहीं हो पाता। ये मेरा सेकंड टाइम पोछा लग रहा है, लगभग 10 बजे का टाइम है और इस वक्त सेकंड टाइम पोछा लग रहा है, क्योंकि एक बार जो होता है वो सुबह ही सुबह उठने के बाद में पहला काम होता है मेरा भोलू जी को खाना देना, फिर दूसरा काम होता है इनके लिए पानी वगैरह गर्म करना, और तीसरा काम होता है मेरा ये वाला यानी कि पोछा लगाना। और उसके बाद में जो झाड़ू वगैरह होता है, डस्टिंग वगैरह होती है, तो दोबारा पोछा लगाया जाता है। मैं यहाँ आराम फरमा रही हूँ और ये देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है। बोलो, क्या बीमारी है इन सज्जन को, क्या बीमारी है इन सज्जन को, क्या चाहिए आपको? बोलो बेटा, बोलो बेटा। अब क्यों, ओए राम, इतना श्याणा है ना ये, कैमरा ऑन होते इतना शरीफ बन जाएगा जैसे मैं इसको दबा रही थी अभी। कट्ठी की है भोलू ने, कट्ठी की है? नो बेबी, नो बेब्स। सीधे रास्ते से निकलो, वो रहा सीधे रास्ता घर वाला, निकलो। ये सब इसने ही फैलाया हुआ है सामान, भाई मैंने कुछ नहीं किया हुआ है। क्यूट तो तुम हो, क्यूट तो तुम हो, क्यूट तो तुम हो, क्यूट तो तुम हो।